आज हम बात करेंगे यूके को लेके। यूके से एक गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो अभी सितंबर नवंबर या जैन इनटेक में जाने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो वो आज इस गुड न्यूज़ को मैं आपसे शेयर करूंगा, इसलिए यूके जाने वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो जो देखें। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। यूके की अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो नॉर्मली 45 डेज लग रहे थे पीछे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रश था एम्बेसी के पास और प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज ऑलरेडी एम्बेसी ने बंद की हुई है। प्रोसेस कैसे होता है कि एक है आप नॉर्मल फाइलिंग करते हैं, एक आता है कि आप अगर प्रायोरिटी सर्विसेज लेते हैं उसके बाद सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज है। प्रायोरिटी सर्विसेज में जो वीज़ा है वो आपको 5 वर्किंग डे में ही वो प्रोसेस करके दे देते हैं, यानी कि 1 वीक में ही आपका वीज़ा आ जाता है। उसके बाद सुपर प्रायोरिटी में 24 आवर्स में वो आपको प्रोसेस करके दे देते हैं, लेकिन ये सर्विसेज अभी बंद थी तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है कि वो नॉर्मल में ही हम फाइल लगा सकते थे, जिसमें कि एम्बेसी कहती कि हमने 21 वर्किंग डेज चाहिए, तो लेकिन फिर भी वो एक महीने से लेके 45 डेज लग रहे थे। पहले ये जो प्रोसेसिंग टाइम था 45 डेज से 30 डेज आ चुका था, लेकिन अब हमें जो रिसेंटली वीज़ा रिसीव हुए तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है सिर्फ 15 डेज में आ चुके हैं। वो जो हमें अभी रिसेंटली वीज़ा है 15 डेज लगे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आगे भी वीज़ाज 15 डेज में आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से प्रोसेसिंग को डिले होना शुरू हो जाए जैसे जैसे सितंबर इनटेक का रश बढ़ेगा। लेकिन अब जो रिसेंटली स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो चुका है, तो हमें उम्मीद है कि जैसे पहले भी 15 से 20 दिन में वीज़ाज नॉर्मल में आ जाते थे तो अब दोबारा से ही 15 डेज में हमें वीज़ा रिसीव हुए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, बट मैं ये स्टूडेंट्स को जरूर कहना चाहता हूँ जो सितंबर इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, अभी भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अवेल करना चाहते तो वो अवेल कर सकते हैं सितंबर इनटेक, स्पेशली जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं उनके लिए ऑप्शंस हैं, और जो स्टूडेंट 12th है उनके लिए हमारे पास नवंबर में ऑप्शन है, और जनवरी में तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। जिन्होंने यूके भी आयल्स की हुई है उनके लिए तो कम बैंड में भी ऑप्शंस हैं, अदरवाइज हमारे पास जो ऑप्शन है 6 ओवरऑल नोट लेस देन 5.5 या पीटी में 54 नोट लेस देन 52 अगर आपका है तो आपके पास देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन नवंबर एंड जनवरी इनटेक। तो एक बार अपना प्रोफाइल जरूर असेस करवा लें, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे डॉक्यूमेंट शेयर करके 6292062920 पे कॉल करके, या आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, या आप हमें जलंधर लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेस में मिल भी सकते हैं, मुझे या मेरी टीम को मिल सकते हैं आके। और आपका जो प्रोसेस है सारा ऑनलाइन होगा, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, हमारे से बेल्स ओवरसीज से सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा को लेके, आप नीचे हमें कमेंट कीजिएगा, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर ऑफर्स एंड न्यू अपडेट्स।